तो भैया वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम चेतन नांगड़ी, अपनी महिंद्रा बोलेरो जो कि यार अभी इसका 2011 वाला मॉडल है। अब 2011 वाला वेरिएंट ले लो या और कोई सा वेरिएंट ले लो, आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यार अपनी गाड़ी जैसे कि यार और कोई सी गाड़ी ले लो, जैसे कि यार अपने पास महिंद्रा बोलेरो है तो ये कंपलसरी नहीं है कि महिंद्रा बोलेरो ही हो अपने पास, जैसे कि यार अल्टो हो या फिर और कोई सी गाड़ी ले लो। यार जितने भी फोर व्हीलर हैं तो उनके यार सबके अंदर सीट बेल्ट देखने के लिए मिलता है, नैनो से लेकर कोई सी भी लग्जरी गाड़ी ले लो सबके अंदर सीट बेल्ट देखने को मिलता है। बट यार उनको अपन चेक किस प्रकार से करते हैं, हालांकि वो ख़राबी हो जाते हैं कई तरीके से, कई रीज़न की वजह से वो ख़राबी हो जाते हैं, देन अपने को पता कि नहीं चलता कि ये ख़राब हो गए। देन बाय द वे कभी भी इमरजेंसी आती है तो फिर वो क्या है ये ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाते। तो यार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या वो चेक करते हैं उनको। देखो अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो यार सबसे पहले यार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, देन अभी आपको बता देता हूँ। देखो ये देखो अपनी महिंद्रा बोलेरो है जिसके अंदर भी सीट बेल्ट तो सभी गाड़ियों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। देखो अब उनको बात ये आती है कि सीट बेल्ट को चेक कैसे करते हैं अपने। देखो अब यार बेसिकली देखो ये वाला इस प्रकार से अपनी गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट दे रखा है, तो अब इसको चेक किस प्रकार से करते हैं। अभी देखो ये अपन निकालते जाते हैं, देखो इसको जैसे कि यार मैं भी इसको निकाल के जा रहा हूँ और ये भाई निकलता जा रहा है। देखना मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ एक बार, फिर मैं इसको निकाल के बताता हूँ आपको पूरा। इसको लगा दिया, देखो इसके अंदर लगा दिया, अब देर में इसको निकाल रहा हूँ। देखो अभी देखो ऑल ओवर पूरा बाहर की तरफ निकल गया, ये पूरा इतना बड़ा सीट बेल्ट जो कि यार पूरा बाहर की तरफ निकल गया। अब यार आप ऐसे सोचोगे कि यार ये वर्क कहाँ पर करा, ये ऑल ओवर अपनी सीट बेल्ट है जो कि यार अभी इस पर लगा हुआ है, जो कि अभी देखो ऑल ओवर, अभी देखो जैसे अपन खींचते हैं इसको बाहर की तरफ तो ये क्या है पूरा ऑल ओवर बाहर की तरफ निकल जाता है। तब इसका आपका यही कहना रहेगा कि अरे भाई अभी ये काम कैसे करता है, देखो अभी अपनी गाड़ी के अंदर सही भी है या नहीं, अपन इसको टेस्ट कैसे करता है। देखो अगर आपकी गाड़ी के अंदर इसको एकदम से खींचोगे ना, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से तेज खींचोगे ना पकड़ कर इसको, तो एकदम से क्या जाम हो जाएगा। लेकिन अभी मैं खींचता हूँ इसको, देखो अभी लॉक हो गया ये, अभी क्या है ये सीट बेल्ट अभी लॉक हो रखा है, जो कि यार अभी यहाँ से पूरा मैं इसको पूरा ऑल ओवर फोर्स करके खींच रखा हूँ, यानी कि बिल्कुल टाइट पकड़ कर खींच रखा हूँ, ये लॉक हो रखा है। अभी इसको जैसे छोड़ देता हूँ तो वापस से ये मतलब रोल होकर अंदर की तरफ चला जाता है ये। तो यार अपनी गाड़ी का अभी सीट बेल्ट सही है, अभी एकदम से अपन जैसे इसको पकड़ के खींचते हैं ना यानी कि ऐसे, तो एकदम से लॉक हो जाता है यानी खींचता नहीं है। अब धीरे धीरे चाहे कितना ही निकाल लो इसको, देखना अब इसको एक बार और निकाल के बता देता हूँ। जैसे कि यार मैंने इसको और निकाल दिया, आप इसको कितना भी निकाल लो वैसे तो इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यार अभी गाड़ी के अंदर ऐसे एकदम से भी काम नहीं कर रहा ना, यानी कि एकदम से बिल्कुल इसके अंदर फोर्स लगा के देखना कि अभी निकल रहा भी है या नहीं बाहर, देखना। अभी देखो अपनी गाड़ी के अंदर ऑल ओवर अभी पूरा लॉक हो गया, अपना सीट बेल्ट क्या है ऑल ओवर पूरा लॉक है। अभी इसको देख जैसे कि यार अपनी गाड़ी के अंदर मेजरली देखो पीछे की तरफ भी सीट बेल्ट देखने के लिए मिलता है, बट वो वाले पीछे वाले अपने को देखो इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है, यानी कि ऐसे टंगे हुए मिलते हैं, ऐसे रोल वाले नहीं मिलते जैसे कि यार फ्रंट वाले मिलते हैं। जैसे कि ऐसे खिंचते लोग होते हैं वो क्या एकदम से खींचे हुए रहते हैं, बिल्कुल ऐसे टाइट रहते हैं ऐसे। अभी आपको पीछे ही बता देता हूँ, बट यार देखो अपन इस प्रकार से अपन गाड़ी को चेक कर सकते हैं। जैसे कि यार अभी मैंने इसको फ्रंट वाले को कर लिया, अगर आपने आपकी गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी ऐसे खींचने पर बिल्कुल खींचा जा रहा है बाहर, तो आपकी गाड़ी के अंदर ये मान लेना है कि आपकी सीट बेल्ट अभी ख़राब है, रिपेयर वाली पोजिशन पर है। अभी देखो अपनी गाड़ी के अंदर तो सही है बिल्कुल ऐसा, मतलब यार सीट बेल्ट जल्दी से ख़राब भी नहीं होती, बट यार ऐसी सीट बेल्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है। जैसे कि यार अभी मैंने इसको हटा दे रहा हूँ, देखो इसको अभी हटा दिया, वैसे क्या धीरे धीरे सब ये पूरा क्या धीरे धीरे सिमट तो जाएगा वापस पहले की तरह। पहले कई गाड़ियों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि यार वो क्या सिमट नहीं पाती, अब इसकी क्या ये स्प्रिंग रहती है ना जो क्या पुरानी हो जाती है। जैसे कि यार अभी अपनी गाड़ी को देखो इसे थोड़ा सा मूवमेंट कराती है, क्या ये पूरा ऑल ओवर मंदिर की तरफ चला जाएगा, देखना वापस इसकी क्या स्प्रिंग जितनी गाड़ी अपनी पुरानी हो जाती है तो उस प्रकार से ये देखने के लिए मिलता है। देखो अपनी अल्टो के अंदर तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, यानी कि आपको एक बार वीडियो और बना दूंगा कि किस प्रकार से अपनी अल्टो के अंदर अभी प्रॉब्लम फेस होती थी अपने को। इसके अंदर बताऊँ ये किस मेजर लिए इसकी एक अलग ही वीडियो बना दूंगा, सीट बेल्ट की प्रॉब्लम किस प्रकार से देखने के लिए फेस होती है अपनी गाड़ियों के अंदर। बट यार जैसे कि मैं पैसेंजर साइड तो चेक कर लिया, बट यार अपना जो ड्राइवर साइड का रहता है तो उसको भी आपको चेक कर बता देता हूँ। देखो अभी देखो ये ड्राइवर साइड का है, इसको मैं क्या एकदम से खींचता हूँ खींचूंगा ना, जैसे ही इसको खींचूंगा देखना सीट बेल्ट को, ये भी क्या है लॉक हो गया। देखो इस पोजीशन पर इनकी क्या है एक पोजीशन रहती है जो कि यार एक जगह पर आके फिर क्या है लॉक हो जाती है, ये बिल्कुल एकदम से अपन फोर्स लगाते हैं ना अपनी गाड़ी पे गाड़ी के सीट बेल्ट पर, जो कि यार एकदम से आके रुकी जाती है एक जगह पर, जो कि यार काफ़ी सही है। अभी देखो यार सीट बेल्ट बेसिकली यार देखो अभी ये अभी इतना नया कोई फीचर नहीं है जो कि यार इनके अंदर गाड़ी के अंदर दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा पुराना फीचर है जो कि यार
कई पहले यानी कि अपनी 800 भी लोगे ना तो उस ज़माने में भी देखने को मिलता है, यानी एम्बेसडर ले लो या और कोई सी गाड़ी ले लो, जैसे कि यार इम्पाला नहीं आती थी पुरानी वाली, तो उन सब सभी के अंदर ये वाला फीचर देखने के लिए मिलता है सेफ्टी वाइज। ABS तो यार आजकल हुए हैं, EBD कंट्रोल, ये सब आजकल हुए हैं। ये देखो ये पुराने फीचर था ना जो कि यार ये सीट बेल्ट का ही था, अभी भी अपनी महिंद्रा के अंदर, महिंद्रा तो है ना बोलेरो के अंदर ये वाला ही दे रहा था सीट बेल्ट का ऑप्शन, जो कि यार मेरे को इतना सही नहीं लगा। यानी कि 2016 में चेंज किया था उसने, एक 17 के अंदर ABS डाला था अपनी गाड़ी के अंदर, नहीं ABS नहीं सॉरी एयरबैग डाला था, जो कि यार फ्रंट के इसके अंदर डाला था, जो कि यार काफ़ी दिन बाद में, जो कि यार वो गवर्नमेंट ने क्या है कंपलसरी कर दिया था तब जाकर ये भी इंस्टॉल किया था अपनी एयरबैग गाड़ी के अंदर, नहीं तो वो ऐसे भी नहीं करने वाला था। बट जो आजकल क्या है, पहले क्या है महिंद्रा यही फीचर दे रहा था, बट यार आजकल क्या है फिर उसने महिंद्रा ने गवर्नमेंट ने दो कंपलसरी कर दिया, तो फिर क्या है महिंद्रा ने भी बोलेरो के अंदर दो एयरबैग दे दिए, एक इस जगह पे दे दिया हैंडल को हटा दिया और इस जगह भी एयरबैग डाल दिया। यानी कि जैसे कि यार एल्टो नहीं लोगे क्या है और कोई सी गाड़ी ले लो, जैसे कि यार मैं एल्टो का ज़्यादा ले रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि यार और कोई सी गाड़ी ले लो तो उसमें क्या है जैसे राउंड शेप के अंदर आता है डैशबोर्ड, तो उसी प्रकार से भी महिंद्रा बोलेरो के अंदर भी आ रहा है। लेकिन यार अपने 2020 से पहले वाले भाई है जो उनकी गाड़ी में सबके अंदर इसी प्रकार से देखने को मिलता है, 20 तो क्या 21 वाले भी मान लो आप, तो 21 से पहले वाले जितने भी भाई हैं तो उनकी सभी गाड़ियों के अंदर इस प्रकार से देखने को मिलता है, बट ऐसा कोई नहीं है। कर लो यार एक फीचर, एक एयरबैग तो मिस कर ही सकते हो, वैसे तो ऑल ओवर अपनी गाड़ी के अंदर सेम आता है, सेफ्टी वाइज कोई भी फीचर नहीं आते। अपनी महिंद्रा बोलेरो 2022 के अंदर सेफ्टी वाइज भी देखो दो या तीन आते हैं, देखो तीन आते हैं, देखो एक तो सीट बेल्ट आता है, एयरबैग आते हैं और ABS ब्रेकिंग सिस्टम दे रहे, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दे रखी रहती है महिंद्रा ने। ये क्या है नहीं गाड़ी के अंदर तीन सेफ्टी वाइज फीचर देख रखे रहते हैं, जो कि यार काफ़ी अच्छे हैं अपनी बोलेरो वाइज। तो अभी यार आपको रियर सीट बेल्ट की बता देता हूँ, देखो किस प्रकार से दे रखा है, देखो रियर सीट बेल्ट इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है, जो कि यार अभी देखो अभी क्या है ये देखो इस प्रकार से सीट बेल्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि यार ऐसे मतलब बोल्ट के अंदर ही लगा हुआ है, जैसे कि यार ये वाला ऊपर की नो बोल्ट की तरफ नहीं लगा हुआ, क्या उसी प्रकार से ये पीछे वाला क्या है बोल्ट के अंदर ही लगा रखा है, जो कि यार इसको डायरेक्ट अपन यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट दे रखी थी, जो कि यार हमने तो हटा दी, पर क्या है गवर्नमेंट ने ये भी कंपलसरी कर दिया था। सो भी ऐसा कोई नहीं यार, कौन मानता है गवर्नमेंट के रूल इतने, अभी अपन भी नहीं मानते वैसे तो। अभी क्या है गवर्नमेंट ने पीछे वाले सीट बेल्ट भी काफ़ी कंपलसरी कर रखे हैं, जो कि यार क्या बताऊँ दिल्ली के अंदर तो काफ़ी कंपलसरी कर दिया हर चीज़ यार, अभी 10 साल पुरानी तो अपना व्हीकल चल भी नहीं सकता, देखो दिल्ली के अंदर ये भी काफ़ी कंपलसरी कर दिया, जो कि यार उसको चला ही नहीं सकते आप बिना उसके, डीजल इंजन तो यार 10 साल पुराना होना ही नहीं चाहिए, यानी कि वहाँ पर दिल्ली पे पेट्रोल हो तो चल जाएगा, डीजल इंजन तो बंद है, यानी कि कई रहती है कई बार है ना, जैसे कि यार छुट्टी लॉकडाउन नहीं रहता, क्या गवर्नमेंट ऐसे अलाउ कर दी कि यार लॉकडाउन लग गया कोई भी घर से बाहर मत निकलना, उसी प्रकार वहाँ पर ऐसा एक गाड़ियों का भी एक लॉकडाउन लगता है, जो कि यार वो वहाँ की गवर्नमेंट ऐसे बोलती है कि यार यहाँ से यानी कि 7 साल पुरानी गाड़ियाँ बाहर मत निकालना आज की तारीख में, तो नहीं तो चालान हो सकता है भारी, तो इस प्रकार से यार वहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि यार अलग अलग तरीके से रहता है हर जगह जगह पर। यार दिल्ली के अंदर क्या है पोल्यूशन कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, बट यार वहाँ पे कुछ इसलिए ही दे रखा है, देखो ये एक तरीके से यार अपन देखो अपनी हेल्थ के लिए सही है वैसे तो, क्या ही करें यार आज के लिए तो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रकार के नए कंटेंट के साथ।